एसएसटी चैप्टर नंबर 3 टाइमलाइन एंड कैलेंडर्स। टॉपिक 1 टाइमलाइन। नोइंग ओनली द डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इज नॉट इनफ। तो यहां क्या कहा गया है कि कोई एक इंपॉर्टेंट यानी जरूरी इवेंट्स यानी घटना, कुछ भी घटा हो, कोई जन्मा हो या कोई मरा हो, कोई लड़ाई हो या कोई चीज बनाया गया हो, कुछ भी हो, तो उसका खाली डेट मालूम होने से काफी नहीं है, इनफ यानी काफी नहीं है। वी नीड टू अरेंज दीज डेट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हेन। तो ये जो हम लोग डेट्स वगैरह, देखो डेट तो एक नहीं होता, कई सारे डेट्स होते हैं, तो कोई भी घटना या किसी चीज के ऊपर अगर हम डेट्स उसको लिखते हैं, समझ लो कोई एक बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ है तो उसका स्टार्टिंग डेट होगा कितने तारीख से स्टार्ट हुआ है, लगभग कितने तारीख तक वो आधा बन गया, फिर पूरा बना, फिर कितने तारीख तक रंग हो गया, इस तरीके से। तो इन डेट्स को हमको सजाना है ना, इन डेट्स को हमको ऑर्डर में, ऑर्डर यानी इनको सजाना है ताकि हमको एक आइडिया मिले कि क्या हुआ और कब हुआ। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। तो डेट्स को अच्छे से सजाना ठीक से ताकि मतलब ठीक से समझ में आए, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच इवेंट कॉज्ड अनदर इवेंट एंड व्हाट द रिजल्ट वॉज। तो इससे हमको पता चलता है भाई किस घटना से कोई दूसरा घटना घटा एंड व्हाट द रिजल्ट वॉज, और उसकी वजह से क्या, उसका रिजल्ट क्या था, उसका परिणाम क्या था, उससे क्या हुआ। व्हेन द डेट्स ऑफ एन इवेंट आर अरेंज इन एन ऑर्डर, तो जब कभी डेट्स को हम सजाते हैं, स्टार्टिंग विद द अर्लिएस्ट एंड एंडिंग विद द लेटेस्ट डेट और टाइम, अर्लिएस्ट नहीं, बहुत पुराने डेट से लेकर करंट जो अभी का टाइम है उससे सजाते हैं, इट इज नोन एज अ टाइमलाइन। तो पुराने डेट से नए डेट तक यानी जिस समय तक हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से डेट या टाइम को सजाना, इसी को बोलते हैं टाइमलाइन। अ टाइमलाइन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स एंड मेक्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजियर। तो टाइमलाइन से चीजों को हम सही से सजा सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना समझना आसान हो जाता है। हेयर इज अ टाइमलाइन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहां पर एक टाइमलाइन दिया हुआ, छोटा सा एग्जाम्पल कि इंडिपेंडेंस यानी भारत जब आजाद हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ। तो जैसे यहां दिया हुआ देखो, 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, तो इस तारीख को भारत रिपब्लिक यानी गणतंत्र हो गया, यानी सरकार अब हमारे देश के ऊपर शासन करने लगी। 1951 और 52 में क्या हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया, पहली बार भारत में चुनाव हुए, चुनाव समझते ना, इलेक्शन वोटिंग। 24 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी पहली महिला औरत जो प्रधानमंत्री बनी थी। 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड। तो आर्यभट्ट ये सैटेलाइट का नाम है जिसको रॉकेट के अंदर बिठा के आसमान में छोड़ा जाता है, भारत का पहला सैटेलाइट था। 25 जून 1983 इंडिया वन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, इस दिन भारत ने पहला विश्व जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता था। सेकेंड अप्रैल 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर स्पेस। तो राकेश शर्मा ये जो आदमी था, पहली बार पहला भारतीय था, इंडिया का पहला आदमी जो आसमान में गया था। 25 जुलाई 2007 प्रतिभा पाटिल बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रतिभा पाटिल पहली औरत थी जो राष्ट्रपति बनी थी, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति जो कि औरत थी। 2 अप्रैल 2011 इंडिया वन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2011 में भारत ने आईसीसी नाम है एक कप का, खेल का, उसका प्राइस जीता था। 24 सितंबर 2014 मंगलयान इंडिया फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मार्स ऑर्बिटेड इनटू स्पेस। तो पहला भारत का स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स यानी मंगल ग्रह के चारों तरफ घूमने लगा था, उसको भेजा गया था। 15 फरवरी 2017 इंडियाज इसरो, इसरो एक संस्था का नाम है,
क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। तो इसने भारत ने के इसरो इस संस्था ने इंडिया इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने एक ही मिशन में एक ही बार में 104 सैटेलाइट रॉकेट के साथ भेजे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। नाउ स्पेशल टर्म्स फॉर टाइम पीरियड्स। अभी जो समय होता है उसके लिए कुछ कुछ हम स्पेलिंग या वर्ड्स यूज करते हैं। व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो कई सारी चीजें जो पहले हो चुकी होती है उसके बारे में बात करते हैं। इन हिस्ट्री वी काउंट द ईयर्स एज। तो इतिहास में हिस्ट्री में हम जो साल हैं उसको हम कैसे गिनते हैं, 1 to 100 years, 1 to 100 साल तक अगर होता उसको बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी, 101 to 200 सेकेंड सेंचुरी, 201 to 300 थर्ड सेंचुरी। टू मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम पीरियड्स इवन मोर एक्यूरेट हिस्टोरियंस मार्क द ईयर्स एज बीसी और बीसी एंड एडी और सी। तो टाइम पीरियड को अच्छे समझने के लिए और एक्यूरेट यानी सटीक या सही समझने के लिए हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार उन्होंने साल के साथ कुछ जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है, बीसी या बीसी, एडी या सी, ये जोड़ा जाता है। अब किसके साथ क्या जोड़ा जाता है, मतलब क्या है ये समझेंगे हम। हिस्टोरियंस हैव ट्रेडिशनली मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द इवेंट फ्रॉम विच ऑल ईयर्स आर मार्क्ड। तो जो इतिहासकार हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन लोगों के जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करते हैं उनका जन्मदिन को जब वो जन्म लिए थे वहां से सारे साल मार्क करने लगे हैं। द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मार्क्ड एज AD 81। तो जिस साल जीसस क्राइस्ट बर्थ उनका जन्म हुआ था उस साल को AD 1 बोला गया है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इसका मतलब है हमारे प्रभु के साल में, यानी उस साल प्रभु का जन्म हुआ था। और बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के साल। सो बीसी इज यूज्ड टू मार्क द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड एडी इज फॉर द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो हम बीसी यूज करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाले जो साल हैं उनके साथ जोड़ते हैं, और उनके जन्म के बाद वाले साल में हम एडी जोड़ते हैं। इन द रीसेंट ईयर्स हिस्टोरियंस हैव कॉइंड न्यू टर्म्स फॉर एडी एंड बीसी। तो अभी हाल ही में इतिहासकारों ने एडी बीसी के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे सीई विच मीन्स कॉमन एरा इज यूज इन प्लेस ऑफ एडी। तो एडी की जगह में आप क्या यूज करते हैं, सीई यूज करते हैं। एंड बी सी यूज करते हैं जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, ये बी सी की जगह यूज करते हैं। तो बी सी की जगह बी सी ई और ए डी की जगह अभी सी ई यूज होता है। अच्छा, फैक्ट कॉर्नर पढ़ेंगे हम। देयर इज नो ईयर जीरो, सो 1 BC इज फॉलोड बाय AD 1 AD। तो जीरो के पहले कोई साल नहीं है, मतलब उसको जीरो बोल के साल नहीं है। तो एडी वन के पीछे वाला साल क्या होगा, एडी होगा। इज ऑलवेज रिटन बिफोर द ईयर एंड बीसी इज रिटन आफ्टर द ईयर। तो पहले आपका जन्म से पहले वाला जो साल है उसमें एडी लगाते खाली, और जन्म के बाद वाला AD 1, और उसके पीछे वाले सारे में बीसी होता है। जैसे कि यहां देखो, ये दिया हुआ जीसस क्राइस्ट जन्म हुआ उनका, तो उसके बाद वाले सारे सीई बोलते हैं अभी, और उसके पीछे वाले सारे बीसी लगाते हैं हम सालों में। The dates on the timeline move backwards in the period before the birth of Christ and forward in the period after his birth. तो जो dates होते हैं जन्म से पहले backward होते हैं पीछे की तरफ, जन्म के बाद सामने की तरफ। So 200 BCE will come before 100 BCE. तो 200 BCE कब आएगा, 100 BCE से पहले आएगा। जैसे यहाँ देख लो, ये BCE है, तो आपका 200 BCE, ये 101 to 200, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड काउंटिंग 100, 200, 300 इस तरीके से, और सामने की तरफ आगे 100, फिर 200, 300 इस तरीके से, यही आपका समझाया गया है।
बट 200 सी विल कम आफ्टर 100 सी. तो सी हमने देखा, सी उसमें 200 100 के बाद आएगा और बीसी में 200 आपका 100 से पहले आएगा. ये नियम फॉलो किया जाता है. वी यूज स्पेशल टर्म्स टू रेफर टू सम टाइम पीरियड्स. तो कुछ शब्दों से हम अलग अलग समय को बताते हैं. जैसे 10 साल को हम डेकेड बोलते हैं, 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं और 1000 ईयर्स को हम मिलेनियम बोलते हैं. लेट्स टू वाला आप करोगे किताब में, फोटो भेजना, ये एक नंबर काम आज यहीं तक पढ़ाएंगे आपको. और दूसरा काम है आपका, जहां तक पढ़ा है उसमें से आप 25 स्पेलिंग, कितने 25 स्पेलिंग आप लिखोगे जहां तक पढ़ा है आज, और उसको बढ़िया से रीडिंग करके रिकॉर्डिंग करके भेजना और स्पेलिंग का पिक्चर भी भेजना.